3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। और 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा पसीना पोंछते हुए इंटरव्यू देता है। टेंशन से तरबतर आशीष मिश्रा खुद रुमाल से पसीने पोंछ पोंछ कर खुद को बेगुनाह बताता है और एक वीडियो दिखाता है। लेकिन इसके बाद आशीष मिश्रा कहां गया? लखीमपुर में कहीं अंडरग्राउंड हो गया या फिर देश छोड़कर भाग गया? आशीष मिश्रा का कोई भी अता पता नहीं है। आरोपी ना पुलिस को मिल रहा है और ना क्राइम ब्रांच को। मंत्री जी के घर पर बेटे को हाजिर करने के लिए 2-2 नोटिस चिपक चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्रा पेश होने का नाम नहीं ले रहा है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फिर आशीष मिश्रा के गिरेमार तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हालांकि क्राइम ब्रांच ने आशीष गुप्ता को 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के बारे में खबरें हैं कि वो देश छोड़ चुका है और वो नेपाल फरार हो चुका है। लखीमपुर खीरी कांड पर स्वतंत्र संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की योगी सरकार से सवाल किया है। हम आपको बताते हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप 302 का है तो आप उसे भी वैसे ही ट्रीट करें जैसी बाकी मर्डर केस में आरोपी के साथ किया जाता है। 302 के आरोप में ये नहीं होता कि प्लीज आ जाए। यूपी सरकार की तरफ से वकील हरीश सालवे ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि गोली मारी गई है, लेकिन गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये ग्राउंड है कि आरोपी को ना पकड़ा जाए। इस पर सालवे बोले कि नहीं, केस गंभीर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गंभीर केस है, लेकिन केस को वैसे नहीं देखा जा रहा। हम समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कथनी और कटनी में फर्क नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि साधारण स्थिति में 302 यानी मर्डर केस में पुलिस क्या करती है, वो आरोपी को गिरफ्तार करती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। सालवे ने कहा कि जो भी कमी है कल तक ठीक हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पीठ की तरफ से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि DGP से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।